ये क्या मामा, आप लोगों ने मेरी एंगेजमेंट प्लान कर ली? ये किसी ने खबर भी नहीं होने दी। क्यों मामा? बेटा, तुम्हारे बाबा ने मुझे कल रात को बताया, वो लड़का अमेरिका जा रहा है। शायद उस लड़की को भी कल रात ही पता चला है वो बाहर जा रहा है। मामा, आप सबको जानते हुए मेरे साथ ये सब होने दे रही हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि आप भी बाबा के साथ मिली हुई हैं। तुम इतना तेज में आने के बजाय मुझे ये बताओ कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई और रास्ता है? मैं तो इसलिए कह रही हूँ, चुप करके मंगनी कर लो। हमारे पास एक साल का वक्त होगा, उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। वो लड़का भी एक साल के लिए बाहर जा रहा है। नहीं मामा, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। मैं ऐसे कैसे किसी को धोखा दे सकती हूँ? मैं बाबा के पास जा रही हूँ, आज उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दूंगी, फिर जो होता है ना देखी जाएगी। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, सिर्फ तुम्हारी नहीं तुम्हारे भाई की भी मंगनी हो रही है। मैं तुम्हें उसकी खुशियों को बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकती। कितनी सेल्फिश हैं आप। वही जूबी जो कल तक आपको एक नजर अच्छी नहीं लगती थी, आज आप उसे खुशी खुशी अपने घर की बहू बना रही हैं। तुम कुछ भी कहो, इस वक्त मेरी बेटी की जिंदगी और उसकी खुशी से ज्यादा अहम और कुछ भी नहीं है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसके लिए कर रही हूँ। और सच कहो, मेरे पास या हम सबके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था। आपका भाषण बहुत अच्छा है, ऐसी बेमिसाल माँ को ना सात तोपों की सलाम। अगर मैं बाबा को सब सच सच बता रही हूँ, हटे पीछे। हेलो, दुबई में क्या सलमान, बोलो क्या कहना चाह रहे हो? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हुआ है एमन? एमन क्या बात है? एमन, एमन, एमन क्या हुआ है बेटा? वकार, नसरीन, एमन, एमन, आपको भी ना चैन नहीं है? हाथ मैंने के बस आ रही हूँ, सारे बर्तन खुद धो दूंगी, लेकिन आपको भी बस थकाना है खुद को। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने मेरी जान। अगर मैं थक जाती तो हट जाती, शौक वो कोई नहीं होता बेटा। इस उम्र में हम जैसे लोगों के हाथ पैर चलते रहे ना तो अच्छा रहता है। ला दो मुझे। अब बर्दार जो किसी चीज को हाथ लगाए। अरे भाई, आज तो तुम कुछ अलग ही लग रही हो, बहुत चहक रही हो ना, कोई उदासी है तुम्हारे चेहरे पे? कोई बात नहीं, जीने के लिए ढेर तो बनना ही पड़ता है। हाँ, बाप आ गए हैं तो उदासी और मातम भी आ जाएंगे। ताई अम्मी, आपको कोई काम था मुझसे या फिर अम्मी से? अरे क्यों भाई, मैं वैसे बिना काम के नहीं आ सकती क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, आप कभी भी आ सकती हैं, आपका अपना घर है। अच्छा बेटा, जरा तुम बाहर आओ, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आ जाओ, मैं खड़ी हूँ बाहर। जा, जाके सुन लो क्या कह रही हैं। मैं भी अभी आती हूँ, वैसे किसी अच्छी बात की तवक्को मत रखना। चिताई कहिए। अब वो फरमान बता रहा था कि तुम्हारा शौहर वकार, वो अपनी दूसरी शादी के लिए ना नई दुल्हन को साथ लेके दुबई जा रहा है शॉपिंग के लिए। अरे ये क्या बात हुई भला, खुद तो वो अयाशियां करता फिर रहा है और तुम्हें जो है वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। अरे छोड़ता क्यों नहीं तुम्हें, क्या जिद लगाई हुई है उसने? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है अम्मी, और मैं चाहूंगी कि आप भी मुझसे इस मौजू पे कोई बात ना करें। लो, तुम कह रही हो कि कोई बात ना करूं, और मैं ये चाहती हूं कि तुम बात करो उससे। किससे? उससे, अपने नाम निहात शहर से। उससे पूछो कि वो तुम्हें क्यों नहीं छोड़ना चाहता। मैं उनसे इस मौजू पे कोई बात नहीं कर सकती, और मैं एक बार फिर आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज आप मुझसे इस किस्म की कोई बात मत करें। अच्छा चलो ठीक है, नहीं करते भाई,
इस मौजू पे बात नहीं मैं करती, लेकिन तुम खुद ही मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें उसे देख के जो दूसरी शादी कर रहा है कोई हसद कोई जलन कुछ भी महसूस नहीं होता, या तुमने बस इस बात पे इत्मीनान कर लिया है कि तुम्हारी मर्जी से ये सब कुछ होता जाए? तो आप क्या चाहती हैं कि मैं अपने दुख की नुमाइश करूं? अगर मुझे तकलीफ है भी तो दिखावा करके क्या हासिल होगा? अरे उसने तुम्हें बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया और तुम हो कि उसके खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनना चाहती? अरे दो लफ्ज बंदा बोल लेता है अपने दिल की भड़ास निकाल लेता है। मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसे अपना मुकद्दर समझ चुकी हूँ, और जो इंसान अपने मुकद्दर पे राजी हो जाए उसकी जिंदगी से शिकवे शिकायतें सब खत्म हो जाता है। अम्मी ऐसी गहरी बातें शादी से पहले तो तुम नहीं करती थी, किसने सिखा दी ये बातें? कमाल करती हैं आप ताई अम्मी, भला कोई किसी को ऐसी बातें क्यों सिखाएगा? ये तो जिंदगी और हालात इंसान को खुद ब खुद सिखा देते हैं। और वैसे भी शादी से पहले आप भी तो मुझसे इस किस्म की बातें नहीं किया करती थी। कैसी 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 ऐसी बातें? क्या दिल दुखा देने वाली? मैं क्यों दिल दुखाने लगी तुम? अजीब तो समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हें क्या कहूं और क्या ना कहूं। जिस इंसान को हमने कभी देखा नहीं, जिसको हम जानते नहीं, वो ना सिर्फ तुम्हारा शौहर था, तुम्हारे होने वाले बच्चे का बाप भी। सोच सोच के हौल उठ रहा है, मैं फैसला नहीं कर पा रही जो दुख तुम्हें मिला है वो ज्यादा बड़ा और तकलीफ दे है या जो उसके बाद हमें मिलने वाला है वो ज्यादा अज़ियतनाक और शर्मनाक होगा। हम आप प्लीज इस वक्त तो ऐसी बातें ना करें। इस वक्त क्या, तो सारी जिंदगी अपने मुंह पर ताला डालने को तैयार हूं क्योंकि मैं मां हूं तुम्हारी, मगर जो तूफान वक्त के साथ साथ इस घर और खानदान की तरफ बढ़ रहा है इसे हम कैसे खामोश कराएंगे? पता नहीं सब मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। मामा मैं क्या करूंगी, ऐसे सामना करूंगी इन सब हालात का मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। तुम खुद को समझाओगी या सारी दुनिया के सवालों के जवाब देती रहोगी? मामा प्लीज, अपने इस कसूर और नादानी को अगर सजा से बचाना चाहती हो तो अभी से अपने दिल को मजबूत करना शुरू कर दो।